हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, और कुछ एक मैं आपको एक क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा जो एग्जैक्ट एग्जाम्स में आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपको टैकल करना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निक बता रहा हूँ आपको, और एक डिफिकल्ट जो सेट है, डिफिकल्ट नहीं मैं कहूंगा, जो प्री लेवल के एग्जाम्स का एक सेट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रमनदीप सिंह। तो पिछले 5 साल से मैं बैंक एग्जाम स्टडी पे काम कर रहा हूँ, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो पहले सब्सक्राइब का बटन प्लीज दबाइए। एंड अगर इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को, चलिए विजुअल ये मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले टैकल कैसे करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? आपको कुछ डेटा दिया होता है, वेदर टाइप क्या है, या तो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स दिए होते हैं आप कह लीजिए, टेबल्स दिए होते हैं, ग्राफ्स चार्ट्स कह लीजिए, इंफॉर्मेशन दी होती है, या तो ये एक एक होता है या मिक्स्ड, या टेबल्स और ग्राफ दोनों दिए होते हैं, जिसको हम डबल डायग्राम, जिसका नाम बहुत पॉपुलर है, या इंफॉर्मेशन प्लस टेबल, या ग्राफ टेबल और इंफॉर्मेशन, तीनों दिए होते हैं। तो ये एक बेसिक टाइप है जो पेपर में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो डेटा इंटरप्रिटेशन में, आप कह लीजिए विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं। कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसा लॉजिक एग्जाम में यूज आपको करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, भी विजुअल अप्रोक्सीमेशन ये टेक्निक एक देखिए। अभी यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, अभी अगर मैं आपसे पूछूं, ये रेड बार है, ये वीट प्रोडक्शन है किसी स्टेट की, पंजाब की लगा लीजिए, हरियाणा की लगा लीजिए, ये इस रेड बार को देखिए, 2005 में 50 थी, 50 कुछ भी टन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, 2006 में 55 हो गई, फिर 60 होगी, फिर 65 होगी। इसमें एक सवाल है यहां पे, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन वॉज हाइएस्ट। अब ये एक क्वेश्चन है विदाउट इवन, मैं आपको बेसिक एक फंडा समझा रहा हूं, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं, एक फंडा समझा रहा हूं कि यहां पे पहले 50 था, 50 से 55 हुआ, 55 से 60, फिर 65, 5-5 का इंक्रीज हो रहा है, हर साल 5 का इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे अगर मैं पूछूं, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इंक्रीज परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन से साल में हुआ, तो ये कॉमन सी बात है, 60 का जो 60 से अगर 65 हुआ है, अगर 60 का 5 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 60 करूं और 5 डिवाइडेड बाय अगर मैं 50 करूं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा होगा, 5 डिवाइडेड बाय 50, समझ रहे हैं। तो यहां पे 2005 से लेके 6 के बीच में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ परसेंटेज की वैल्यू में, ये ध्यान देने वाली बात है, परसेंटेज की टर्म्स या एक्चुअल टर्म्स। एक्चुअल तो अगर बात करें कि सिर्फ अगर टन्स के बारे में पूछा जाता, फिर तो ये 5-5 का इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पिछले साल के रिलेटिवली परसेंटेज में पूछा है। तो ये ध्यान से विजुअलाइज करके मैं बता दूंगा, वैसे तो बिल्कुल ग्राफ जैसे मैंने आपको दिखाया, पुराने जमाने में ऐसे क्वेश्चन आते थे 7-8 साल पहले। तो ध्यान से देखिए, 50 से 55 से 60 से 65, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि 50 का जो, अगर 50 से 55 होता है परसेंटेज की टर्म्स में, ये 60 से 65 होने वाली ये जो टर्म है, इससे ऑब्वियसली ये परसेंटेज ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं यही बताता 2005 से 6। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं कि ये आप बताइए कि 2005 और 6 की जो वैल्यू है वो 2007 की, 2007 से कितना परसेंट है, 2007 की जो प्रोडक्शन है मान लीजिए 60 है, ये कितना परसेंटेज है 2005 और 6 के कंबाइंड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक और लेमैन की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इस फंडे को ध्यान से देखिए, अभी अगर आपसे कोई पूछे
मोस्टली पूछा जाता है, एवरेज के बारे में पूछा जाता है या एग्जैक्ट आंसर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आसपास पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये पांचों की एवरेज क्या है, इसकी 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 इन पांचों नंबर्स की एवरेज क्या है, इंस्टेड ऑफ कि मैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पांचों नंबर्स को प्लस करके जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, या तो ये हो सकता है कि मैं 7814 प्लस 7829 प्लस क्या कहते हैं 790 ऐसे करके पांच से डिवाइड कर दो। ये तो बहुत लंबा मेथड होगा। आप ये देखिए, यहां पे इसने बोल दिया कि 7800 तो सारे है ही हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अब ये देखिए भी इंक्रीज कितना है, 7800 से ऊपर चले जाइए, 14 प्लस 29 प्लस 108 प्लस कह लीजिए 22 प्लस 120 और इसको डिवाइड कर दीजिए पांच से और जितना नंबर आता है उसको प्लस कर दीजिए 7800 से, तो आपका एवरेज आता है। तो ये छोटे, ये कुछ ट्रिक नहीं है, आप ये इसको याद करने की कोशिश ना कीजिए, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टेक्निक और ट्रिक में डिफरेंस है, टेक्निक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक सिंपल एक लॉजिक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक आप कह लीजिए एक आपको फंडा बताने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 468 इज हाउ मच ऑफ 21428, 21428 का कितने परसेंट है, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, 60 मिनट है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 60-65। अगर आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि इसको करने के लिए मैं आपको एक मिनट दूंगा, इसको आपको करने के लिए मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड ही लगाइए, 5 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये आप कह लीजिए मुझे फास्ट मैथ में ये फंडा बताना चाहिए था। अभी इसको देखिए आप कैसे करेंगे, 21,428 ये 100% है, इसका 10% हो गया 2142, इसका 1% कितना हो गया, इसका 1% ऑफ आप कह लीजिए, ये मैं आपके लिए थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, स्टेप तो कोई है ही नहीं पहली बात, 214 तकरीबन इसका 1% है, तो हमने 468 के करीब आना है, तो ऑब्वियसली 214 3 तक तो जाएगा नहीं, 428 आ गया, अभी भी ये 68 से थोड़ा दूर है, तो इंस्टेड ऑफ 1% तो 0.1% देखेंगे हम। ये कैलकुलेशन, ये बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन है, इंस्टेड ऑफ कि आप ज्यादा दूर तक जाएं, ये बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन है। अभी देखें, मैं आपको ये स्टेप इसलिए करके बता रहा हूं कि आप थोड़ा इसको सीख पाए। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा दूर है, ये फिर से मैं 21 ऐड करूंगा जी, अब ये बिल्कुल इसके पास आ चुका है। तो मैंने क्या क्या ऐड किया, 2% और 0.2, ये 2.2% के तकरीबन इसके आंसर आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत यूजफुल है, ये बहुत यूज होती है, ये जो मैंने बताई है और ये एवरेज वाली और ये विजुअल एस्टिमेशन। विजुअल एस्टिमेशन तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक आज एक सेट करके बताता हूं, ये डायरेक्शन मैंने रिमूव कर दी क्योंकि स्पेस बहुत कम थी। तो ये देखिए, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बेसिकली क्या होता है इसको ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 6 विलेजेस, 6 विलेज हैं ए बी सी डी ई एफ, इसमें कुछ लोग रहते हैं। तो यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है, अगर 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे आपको दिया हुआ है, अगर छोटे छोटे ऐसे नहीं बना के दिए हुए कि 1, 2, 3 आपको छोटे ऐसे ग्राफ बना के नहीं दिए हुए, तो आपने मान लेना कि इसके बीच में कहीं भी आता है तो ये 750 ही है। ये एक फंडा मैं आपको समझा रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये थोड़ा ऊपर है ये थोड़ा नीचे है। अगर यहां पे लाइंस, ग्राफ वाली लाइंस नहीं बनी हुई, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं ध्यान दे सकते। अगर ये जो है ये 750 है, ये अगर यहां पे लाइंस ऐसे नहीं दी हुई, तो मैं कैसे स्क्रीन में इसको पता करूं, मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। आप अज्यूम कीजिए, अज्यूम नहीं, एक्चुअल में ऐसे होता है कि अगर ये बीच में है और लाइंस नहीं दी हुई है, ग्राफ की ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, तो ये हाफ में है, एग्जैक्टली हाफ में है। अगर लाइन जी हुई है तो आप देखिए, तो इसको ध्यान से देखिए।
अभी जो है ए विलेज में देखिए, जैसे 750 लोग, आपको देख लीजिए 750 यहाँ, 2000 यहाँ, 1500 यहाँ, 2750 ऐसे, 2500, 3000 ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं। और विलेज ए बी सी डी ई एफ, कुछ लोग लिटरेट हैं, कुछ लोग इलिटरेट हैं, और परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल दिया हुआ है। अभी अगर आपने ये क्वेश्चन करने बैठ गए हैं, ये 5 क्वेश्चन करने करने हैं आपने 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये टाइम आप अपना इंग्लिश सेक्शन में अपना बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर आप 2 से 3 मिनट, 3-4 मिनट के अंदर अंदर, 3 मिनट में या 4 मिनट में आप ये ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन जो बाकी बचते हैं उनको मात्र आप 2-2.5 मिनट में वो सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट में ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इंस्टेड अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं और बार बार सेम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको ध्यान से देखिए कि विलेज ए है, इसमें 2 डिवाइडेड बाय 5 लोग, इतना रेशियो लिटरेट का है, इतना इलिटरेट का है। हम पहले ही ये जो टेबल है इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो 2/5 of 750 ऐसे हम पूरा इसका टेबल जो है इसको हम इस अभी पूरा करेंगे। तो ये देखिए 2/5, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक एक मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो 2/5 of 750, तो ये है जो लिटरेट का नंबर है, कट जाएगा यहां से, ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, 300 आ जाएगा यहां पे, जो 300 लिटरेट है और बाकी जो बचते हैं वो इलिटरेट हैं। तो ऐसे आपको ये पूरे का पूरा जो कह लीजिए पूरा टेबल है, ये आपको एक बार सॉल्व कर ले, आपको पता हो लिटरेट इतने हैं, इलिटरेट इतने हैं, मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं। एक बार यही आप देखिए, आप सिर्फ 10 कैलकुलेशन आपको करनी है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक बार ये कर लेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन आपके गारंटी हैं, और इसमें एक्यूरेसी 100% आएगी। तो लिटरेट यहाँ पे 2000 लोग हैं टोटल, 11:9 का रेशियो है, वही 11:9 का रेशियो है, 2000 लोग हैं और 11/20 आ जाएगा अपना, इतना आप कह लीजिए हमारे 1100 लोग आ गए यहाँ पे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे खराब आ रही है, मैनेज कीजिए। 1100 और यहाँ पे 900, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे 1500 है। कई स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा, और कई कह रहे होंगे सर ऐसे एग्जाम में नहीं आते, प्री लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट वरी। मैंने NACL का पेपर जो मैंने देखा था उसमें इससे भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, और उसकी कट ऑफ 60-65 से ज्यादा जाने वाली नहीं है। कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि वो जान बूझ के कैट लेवल की, जीमैट लेवल की, कैट से भी आके जाने लगते हैं लोग, GRE पता नहीं कौन कौन सी किताबें ले आते हैं डिफिकल्ट सी, और उनसे इजी क्वेश्चन होते नहीं है। मतलब ठीक है अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाए, तो आप 1 घंटे में 30-35 क्वेश्चन करने की आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन आपको स्पीड चाहिए फॉर द टाइमिंग नाउ। तो इसकी बात करूं 1500 टोटल है, 13 और 2, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा ही 1300 200, क्योंकि आप सीधा ही रेशियो देख लीजिए ना, ये देखिए 1500 लोग हैं, 13/2 का रेशियो है, 1300 लोग जो अपने लिटरेट हो गए और 200 इलिटरेट हो गए, इसमें सॉल्व करने का जरूरत था ही नहीं। तो इसमें थोड़ा सा है, डी में देखिए 2750 लोग हैं और रेशियो है 4/5, तो इसको काट लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 550, 1100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आ जाएगा 2200। वैसे आपके लिए यहां लिखता चाहता हूं मैं 2200 और 2750 में से 2200 हम अगर माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 550। ई का देख लें, 2500 लोग हैं और 1/3 का रेशियो है, जो कह लीजिए उसका लिटरेट और इलिटरेट का, तो इसका बताता हूं कितने लोग हैं इसमें, 2500 लोग थे टोटल, और लिटरेट और इलिटरेट का इतना रेशियो है, 1/4 का रेशियो चल जाएगा यहाँ पे, तो इसका टोटल आएगा 1/4, इसका कितना आएगा, मैं तो सीधा सीधा 1/4 कर दूंगा, 1250 हाफ हो गया, 625 1/4 हो गया, समझ आ रहा है आपको। यहाँ यही टेक्निक्स हैं, आपको जितनी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ हर वीडियो में, मैं 1-2 टेक्निक बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे लगाते हैं। कोई अजीब से आप
लंबे लंबे फॉर्मूले इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं आपको चाहे हर एक क्वेश्चन को करने के लिए नया एक फॉर्मूला बता दूं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा कोई। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, जैसे 2500 को 4 से डिवाइड कैसे कर रहा हूं कि 2500 का हाफ हो गया जी 1250, उसका हाफ हो गया 625। ये एक फंडा है, ये एक लॉजिक है कि ऐसे कैलकुलेशन का लॉजिक लगाते हैं। आपको पहले मैंने लॉजिक एक बताया था कि 400, ये वाला लॉजिक जो मैंने आपको बताया था, ये भी आपको याद करना, याद मत कीजिए, ये आप अलग अलग तरीके से इसको यूज करने की कोशिश कीजिए, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। ये वाला जो फंडा एवरेज का बता रहा हूँ और अप्रोक्सीमेशन का बता रहा हूँ, एस्टिमेशन का पहले पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, ये सब फंडे याद करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए धीरे धीरे कर रहा हूं मैं। तो अगला जो है ई, 2500 लोग हैं टोटल, तो 2500 लोग हैं और लेटर 1/4 का जो एवरेज निकल रहा था 625, कितना हो गया 625, 2500 में से 625 माइनस अगर मैं कर दूंगा तो तकरीबन 1875 लोग बचेंगे। इसमें 3000 लोग हैं, 11/19 का एवरेज है, 11+19 वैसे भी 3000 हो जाता है, तो 1100 लोग यहाँ होंगे और 1900 लोग यहाँ होंगे। तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया कंप्लीट। इसको करने के लिए 2.5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत आप कह लीजिए आसान सा सेट है, आसान नहीं कहूंगा, लेकिन प्री लेवल और कई बार मेंस लेवल में भी आप इस लेवल के सेट देख सकते हैं। एसबीआई वगैरह में थोड़ा पेपर डिफिकल्ट हो गया, लेकिन आप अगर क्लेरिकल लेवल का पेपर देंगे आईबीपीएस का, या उसके मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पीओ के प्रीलिम्स लेवल में भी आएंगे और हो सकता है मेंस लेवल में भी आ जाए, थोड़ा सा इसको मिक्स सा करके डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि मेल का परसेंटेज 52 है और फीमेल का ऑब्वियसली 48 होगा ना, दो जेंडर हम अज्यूम करते हैं कि दो ही जेंडर है, तो मेल मैं इधर लिख लेता हूँ और फीमेल मैं इधर लिख लेता हूँ। अभी देखिए 750 का 52% क्या होगा, तो यहाँ पे चीज देखने वाली है, अगर मुझे 750 का 52% निकालना है, तो वैसे तो ये सिंपल सा फंडा निकल के आता है, 75 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.2 से, 5.2 से मल्टीप्लाई करना है वैसे हमें, तो बेसिकली 75 का टेबल आप लोगों ने ऑब्वियसली अभी तक याद तो नहीं करे होंगे, 75 का तो कैसे आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए कि 75 का यार 750 का हाफ ऑलमोस्ट 375 का बनता है, और उसके बाद मुझे 0.2 से भी मल्टीप्लाई करना, तो आइडिया तकरीबन मतलब तकरीबन मेरा वर्ड याद रखिए, ये इसको यूज कीजिए। हर बार 52-48% निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी 75 इसका मैं क्या कह रहा था, 750 का 52%, आधा तो इसका हो गया। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, इतनी छोटी सी मैं पेन भी यूज भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार ही ये क्वेश्चन देखा है आपकी तरह। अभी 750 का आप कह लीजिए, अभी इसका 52% निकालना, इसका 50% कितना हो गया 375, इसका हाफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 700 का हाफ 350 हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया, 375 हो गया इसका हाफ, इसका 1% कितना है 2.15, तो हो गया 390। ये मैंने कौन सा लॉजिक यूज किया है, ये मैंने लॉजिक यूज किया है जी ये वाला लॉजिक आपका अभी अभी यूज हो गया, अभी मुझे ये लॉजिक यूज करने की आदत पड़ चुकी है और मैं अपना ये लॉजिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपना नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं जिनका मैथ थोड़ा ठीक ठाक है, वो पास कर लेते हैं एग्जाम आराम से, वो ऐसे लॉजिक यूज करते हैं। 390 तो होगी जी मेल, फीमेल कितनी होंगी, 750 में से 390 माइनस करूंगा तो तकरीबन आपने तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 360 है फीमेल्स, यहाँ पे ये फीमेल्स हैं और इधर मेल्स हैं, तो ऐसे ही करते करते हम करते हैं 2000 का 65% मेल है। अभी 2000 का मुझे 65% निकालना है, 1000 का 65% 650 आ जाएगा, 2000 का 65% 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1300 आ जाएगा, सिंपल 1300 इधर आ गया और 700 इधर आ गया, क्योंकि 2000 है, 2000 में से 1300 माइनस, या तो मेल हो सकता है या फीमेल होगा, एक पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा। अभी 45% निकालना है अपने को 1500 का 45% कैसे निकालेंगे, मैं वही सेम चीज करूंगा, 1500 का मैं हाफ कर लूंगा पहले 750, और 750 में से भाई मैं अपना 75 माइनस कर लूंगा, तो अपना एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 625। तो ये मेरी सिंपल सी टेक्निक याद रख लें, बहुत काम आएगी आपको। 675 हो गया, 675 750 में से 75 माइनस किया तो 675 आंसर आएगा। ओके,
तो बाकी माइनस कर लीजिए इसमें से कितना था हमारा, सी में 1500 लोग थे उसमें से 675 अपने इधर थे मेल हैं और 825 हमारे फीमेल हो जाएंगे। सिंपल वे में करते जाएंगे, डी में 2750 लोग हैं और टोटल 70% मेल हैं, तो 2750 का 10% देख ले कितना होता है, पहले वही हाफ पे ले जाए फिर 70% पे आ जाए, तो ये आपका जो बनता है इसका 70% जो है डी का, डी है 2750, 70% इसका बनता है 1925। सेम वे में मैं आपको करा रहा हूँ, 1925 और है 825 अगेन माइनस करके, तो 39% निकालें, 2500 का 39% निकालें। अभी इतना मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करें, 2500 का अभी डीआई ये मत समझिए कि डीआई का लेक्चर है तो भाई डीआई के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लेकिन थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस करें घर बैठे कि अपने आप निकालें 2500 का 39% कितना होगा, पेन यूज नहीं करना आपने, बिना पेन के निकालें 2500 का 39% कितना है, कोशिश करें, कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करें एक बार। वही 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4, 25 का टेबल याद कीजिए कितना हो गया 1000, तो उसमें से 25 एक माइनस कर दें तो कितना होगा, 1000 में से 25 माइनस करेंगे 975। तो बिना पेन के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 975 यहां आ गया और 2500 में से 975 माइनस करें, 2500 में से 975 मैं कैसे माइनस करूंगा, 2500 में से तकरीबन 1000 एक गया, चलो 1500 आ गया और मेरे को यहां से जो 25 से तो वो मुझे ऐड अप करने पड़ेंगे 1525। तो ये लॉजिक आपको दिमाग में सोचने पड़ेंगे। और बाकी वहां गया है भी 3000 का 75% कितना होता है, 75% निकालना है, 75 और 25% मतलब इसको 1/4 एक बार कर लें, इसका 25% कितना होगा, 3000 का 25% निकालना है, 4 से डिवाइड करना है, 3000 का हाफ हो गया 1500, 1/4 हो गया 750, तो 2250 इधर आ गया और आपका कह लीजिए 750 इधर आ गया, बहुत सिंपल है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन कैसे करते हैं डीआई की, वो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है, मैं आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं कि भाई डीआई को ऐसे, डीआई जो पढ़ने का तरीका ये है, डीआई को क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको फ्रैक्शंस आने चाहिए, आपको ये कैलकुलेशन जो है इसको आप हाथ से मत कीजिए, 2500 को अगर आपने कहा 39% आपको चाहिए तो आप बिना पेन के इसको निकालने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं 2750 का 28% निकालिए तो इसको कैसे कैसे करना है, मैंने अभी आपके सामने आपको करके बताया स्टेप बाय स्टेप, तो ये करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ये अगर आप पिछला एक ये भी देखें परसेंटेज कैसे निकालना है 2.2, ये आपकी आपको करना आना चाहिए कि इतना परसेंट ऐसे निकालते हैं रेशियो, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी कुछ जो कैलकुलेशंस है, मैं आपको एक टेस्ट भी दूंगा, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस है इसको आपने हाथ से करना है, राइट, अपने हाथ से मतलब बिना पेन के, अपने हाथ से नहीं अपने दिमाग से, बिना पेन के पेन छोड़ दीजिए, पेपर छोड़ दीजिए और दिमाग लगाइए, हाँ जी भाई ये दो, क्योंकि ये देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला आपको 7349 का 28.7% निकाले, वो भी किया जा सकता है लेकिन उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सफर कर जाती है कि वहां पे हम एस्टिमेशन टेक्निक यूज करेंगे, पिछला वीडियो मैंने एस्टिमेशन का बनाया था, इसमें देखिए यूज एस्टिमेशन की टेक्निक हो रही है लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल 100% जा रही है, 95 को भी नहीं मैं जा रहा, जहां पे ऐसे ऐसे नंबर आ जाते हैं 2000, 5, 750, 1000, 5000 यहां पे तो एक्यूरेसी 100% जाएगी लेकिन यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अगर यहां पे 2000 की जगह पे 2010 होता या 2022 होता इसकी जगह, ये बी में अगर पॉपुलेशन 2010 होता तो मैं एग्जैक्टली निकालने की जगह अगर जो ऑप्शन है वो थोड़ी दूर भी होती, 5, 5, 20, 10, 10 का डिफरेंस भी होता, फिर भी मैं क्या करता कि यार 2050 को कौन देखेगा, 2010 को कौन देखेगा, सीधा 2000 से ही मल्टीप्लाई कर दो और मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि आंसर जो मैंने निकाला है इससे एक्चुअल आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं एक बताता हूँ, खाली शीट मिल जाए मुझे, ये मेरे पास खाली स्पेस है, आपको एक चीज बताता हूँ, आपने मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने मल्टीप्लाई किया
23498 या 2349 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया आप कह लीजिए 2 से, राइट। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या आप यहाँ पे ऐसा लगाइए कि 0, यहाँ पे 0 लगा ली, चलिए 49 कर दिया मैंने, ठीक है 49 ही है यहाँ पे, 2349 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका एग्जैक्टली छोड़िए एक बार, अगर आप इस पे एस्टिमेशन लगा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस पे अगर आप एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं 4,000, अगर आपने सीधा 4,700 लगा दिया, आपने इसको 2,350 मान के आंसर ये निकाल दिया, आपने पहले अपना नंबर थोड़ा बढ़ाया है तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि भाई मेरा नंबर 4,700 से थोड़ा कम है। इवन एट द टाइम ऑफ एग्जाम अगर आपकी ऑप्शन ऐसे हैं, 10 ऑप्शन आपको ऐसे मिल रही हैं, एक ऑप्शन है जी 4,690, एक आपको मिलगी 4,098 वैसे आंसर है 4,702, इवन 4,710, तो यहां पे देखिए आपको पता है ये मेरा आंसर निकला है लेकिन आंसर थोड़ा कम होना चाहिए था, तो आप ये नहीं करेंगे, यही आप टिक लगा के आएंगे, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें। एस्टिमेशन टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, ये हर कोई यूज करता है, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने थोड़ा एस्टिमेशन नंबर्स को कम करके लिया है, थोड़ा ज्यादा करके लिया है, यहां पे बहुत जरूरी है ये, इसको ध्यान से देख के चलें। तो चलिए मैं अगला आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ये मैंने आपका पूरा कर दिया है, वैसे क्वेश्चन मुझे आपको देना चाहिए कि खुद सॉल्व करें, लेकिन आपके लिए मैं करता हूं। ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको मैंने पूरा प्रिंट टाइप करके मैंने आपके सामने रखा है। अभी देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूरा कर लेता है टेबल लेकिन वो स्टेटमेंट देख के आंसर कर नहीं पाता। If 40% of the female from village B is literate, 40% पढ़ी लिखी है और 60% अनपढ़ है, then what is the percentage of male who is illiterate from village B? अभी ध्यान से देखें, 40% जो females हैं B village से वो literate है, वो पढ़ी लिखी है, और 60% है वो illiterate है। हमें निकालना क्या है, हमें इलिटरेट जो मेल इलिटरेट है, मेल भी है और इलिटरेट भी है, हमें उसका एक उसका नंबर चाहिए, उसका एक्चुअली परसेंटेज चाहिए, उसका पहले नंबर निकालेंगे फिर परसेंटेज निकलेगा। अभी यहां गौर से देखें, 40% अगर लिटरेट, अभी लिटरेट की बात छोड़े क्योंकि हमें इलिटरेट का नंबर चाहिए, तो 40% फीमेल लिटरेट है तो 60% हो गई इलिटरेट। अभी विलेज बी में थे हमारे 2000 लोग, तो 2000 में से 60% जो फीमेल है, 360 ये नंबर हमने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, राइट, तो 60% फीमेल है, 700 का इसका मैं सिंपल सा ये करूंगा कि मैं एक सिंपल बना लूंगा, फीमेल इलिटरेट FIL ऐसा मैं एक सिंबल बना लूंगा, फीमेल है वो इलिटरेट है 60%, ये हो गया, ये तो सिंपल आपको 7 का टेबल आता तो कर लेंगे, 720 फीमेल है जो इलिटरेट है, राइट। अभी टोटल इलिटरेट 900 है और 420 इनमें से फीमेल है, तो मेल इलिटरेट कितने हुए, 900 माइनस टोटल इलिटरेट, टोटल 900 लोग अनपढ़ है, उसमें से 420 बी गांव में 900 लोग अनपढ़ है और 420 जो है वो औरतें हैं, तो मेल कितने हो गए भाई, 480 मेल हैं वो, और वो इलिटरेट हैं। अभी 480 हमें चाहिए था, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। अभी ये पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या है टोटल मेल्स का और जितने लोग अनपढ़ हैं उनका। अभी ये देखिए 480 MIL मेल इलिटरेट डिवाइडेड बाय टोटल मेल, ठीक है। अभी 480 टोटल मेल कितना है हमारे पास, 1300। अभी इसका परसेंटेज निकालिए, अभी अगेन वही चीज आ रही है कि परसेंटेज अब जल्दी से कैसे निकालेंगे। मान अभी जहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था प्रीवियस पेपर में से, वहां पे ऑप्शन ऐसे था कुछ 35% 36% 37% 40% ऐसे कुछ ऑप्शन थे। अब कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, तो सिंपली मैं क्या करता, बिल्कुल देख के मैं क्या करता, भाई अभी इसका क्या कहते हैं 13 से एक तो यहां से मैं उड़ा देता, ठीक है,
13 ones are 13, 13 to the 26, फिर हो गया 39, तीन पे तो ये है ही है 39, बाकी कितना बचता है, 9 बचता है, अभी 90, अभी 13 6 का कितना होता है, अभी 13 7 का कितना होता है, अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा 37 के तकरीबन आंसर निकलता है, 36.9 इसके समथिंग निकलता है, 30% अगर आंसर होता तो मैं उस पर टिक करके आ जाता। इंस्टेंट की मैं पूरी कैलकुलेशन करूं, यहां अभी मैं 48 से 100 बाय मल्टीप्लाई करूं, फिर वो लंबा मैं बच्चों जैसे डिवीजन करूं ऐसे बैठ के, ये चीज आपको पेपर में नहीं करनी है। ऐसे करेंगे तो पूरे पेपर में 40-45 से ऊपर अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे। बहुत स्टूडेंट है जो पिछले 1-1.5 साल से फेल हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं पेपर में जाके। आपको हाथ को यूज नहीं करना है। आपको एक शीट क्यों दी जाती है पेपर में, क्योंकि जो पास करने वाले लोग हैं वो तो एक शीट भी पूरी यूज नहीं करते, वो तो ऐसे ही देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे शीट अगर आपने यूज करनी है तो ये पूरे टेबल को बनाने के लिए, ये जो टेबल है ये बनाने के लिए आपने शीट का इस्तेमाल करना है। आपको ये ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन ये करने के लिए आपको पेन की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन इसलिए हमने बनाया क्योंकि हमें इतना कुछ याद नहीं रहेगा, इतना हमारा माइंड है 20 नंबरों को याद करके नहीं रख सकता। कई लोगों का ये भी हो जाता है, बट मेरे जैसे एवरेज लोग और आपके जैसे एवरेज लोग, एवरेज नहीं मैं कहूंगा, चलिए जीनियस नहीं है, अगर हम जीनियस नहीं है तो हम इतने नंबर याद नहीं कर सकते 1-2 मिनट में, तो इसके लिए हम ये टेबल ही करेंगे। बाकी ये कैलकुलेशन 480-1300 का कितने परसेंट है तो ये सीधा सीधा हमारा निकल जाएगा, कुछ पेन का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। अभी इसका टोटल निकाल लें, इसका टोटल कर लें और इसका टोटल कर लें। अभी ये तो आप आसानी से कर ही लेंगे, इसमें तो कुछ बड़ी कोई बात है ही नहीं। परसेंटेज है, इसमें एस्टिमेशन थोड़ा गड़बड़ा भी जाए, एक आध परसेंट का गड़बड़ाने के लिए भी आपको ड्रास्टिक मिस्टेक करनी पड़ेगी, तो थोड़ा वो ऊपर नीचे हो भी जाए 10-5-20 नंबरों का यहाँ पे, तो कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। 1300 + 1400 + 2200 + 600 + 2500 + 1100 इसको टोटल करके मेरा निकलता है आई थिंक 6625 शायद 3300 + हाँ मेरा निकलता है 6625। आप कोशिश करें आप पेन का इस्तेमाल ना करें, वो जो बचपन में आप करते हैं अभी यहाँ 0 है जी हंसल गया फिर 1 गया फिर 2 गया, वो बिल्कुल ना करें। सीधा करें 1300 + 1100 ओके भाई 1400 में मैं 1300 और प्लस करूंगा कितना हो गया 2700, ऐसे प्लस करें यार। आप वो ना करें, आप हंसल लेके वो बच्चों जैसी बातें मत करें। आप 5वीं के 6ठी के बच्चे नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए वो पूरा बनाना पड़ेगा, डिवीजन के लिए करना पड़ेगा। माइंड आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, अगर आप इधर उधर खेल कूद रहे हैं, व्हाट्सएप ये सब यूज कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये सब भी आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक सब्जी वाला जो है उसके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता। एक सब्जी वाला जो गली में खड़ा होके सब्जी बेच रहा है वो हाथ में खड़ा होके ऐसे कैलकुलेशंस कर देता है कि बहन जी ये 2500 रुपए किलो आलू है, आपने 1.5 किलो ले लिए। और लेडीज खड़ी होके 6 तरह की सब्जियां लेती हैं। आप किसी सब्जी वाले के पास जाके एक बार देखिए, 6 लोग लाइन लगा के खड़े हैं और क्या कहते हैं उसको कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं देते हैं। मैं एक दो बार गया हूं एक्चुअली अपनी मदर के साथ, तो भाई 2.5 किलो आलू दे दो, 1.5 किलो प्याज दे दो, प्याज कितने 15 रुपए किलो है, आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, मुझे 5 रुपए का धनिया दे दो, 20 रुपए की मिर्ची दे दो, तो टोटल लगाओ भाई कितना हो गया। उसके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, बड़ी बड़ी मंडियों में होता है, लेकिन छोटे छोटे जो सब्जी वाले होते हैं उन्होंने तो कभी स्कूल नहीं गए, वो कभी मोस्टली जो सब्जी वाले हैं वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी वो लोग कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है और उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है इस चीज की। तो आपको कह रहा हूं अगर वो कर सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी आप कह लीजिए एडुकेशन के, आप तो फिर पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी पूरी करके आए हैं, कोशिश कीजिए। मोबाइल किट्स आपके जो कैलकुलेटर हैं या मोबाइल सबके पास है, कैलकुलेट मत कीजिए। अपनी रोजाना जिंदगी में कोशिश कीजिए कि ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन दिमाग में ही करिए और जितना कम हो सके मोबाइल का इस्तेमाल कैलकुलेशन में कीजिए, बहुत कम इस्तेमाल कीजिए कैलकुलेटर का, ना कीजिए इस्तेमाल। कोशिश करें एक बार सब्जी लेने जाएं,
और देखें वो सब्जी वाला कैसे कैलकुलेशन निकालता है। आप 10 तरह की सब्जी मांग ले, वो 10 रुपए भी आपसे कम नहीं लेगा, पूरे एग्जैक्टली पैसे लेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, तो यहाँ पे ये हो गया। और 300 प्लस साढ़े, ये हमने टोटल का निकालना है, 750 प्लस हमारा 2000, ये जो हमारे टोटल थे लोग, देखिए 750 प्लस 2000 प्लस 1500, इन सब का आपको टोटल लगा, टोटल निकालना है, तो हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा तकरीबन 12,500 लोग हैं। तो भी 6625 12,500 का कितना पड़ा होगा, तो ये आपको निकालना है। अभी यहां पे कोशिश खुद से कीजिए, मैं सारा कुछ तो नहीं करवाऊंगा, कोशिश कीजिए कि इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए। सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, 1250 है जो, वो आपका होगा 10%, 60% कितना होगा, 1250 का डबल हो जाएगा 2500, 2500 को करिए 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7500, आपका जो 7500 है वो आपका हो जाएगा तकरीबन 60%, आपका 7500 है वो आपका है तकरीबन 60%। अभी आपने देखना है कि आप 6625 तक कैसे पहुंचेंगे। अभी आप इसको माइनस कीजिए, चाहे 7500 में से चाहे 5% को माइनस कीजिए, चाहे 4% को माइनस, क्योंकि इसका निकालना बहुत आसान है। देखिए 1250 10% है, अगर आपने फर्दर निकालना इसका 5% कितना होगा, तो होगा 625, तो परसेंट निकालिए तो कितना परसेंट आएगा, तो ये आपने सिंपली निकालना है। तो इसका तकरीबन आंसर हमारा जो आ जाता है वो आता है 53%। तो ये हमारा एक बेसिक सा फंडा था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर्स ऑफ, नंबर आना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहां पे, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल फ्रॉम विलेजेस बी सी एंड डी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ए ई एंड एफ। अभी इलिटरेट, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये है नंबर 900 प्लस 200 और उसके बाद प्लस 550, इसको डिवाइड करना है आपको 360, और फिर ये है आपका 1525 और 750, इन दोनों को, दो नंबर्स हैं ये, 900 रेशियो बिटवीन 900 आपका हो गया प्लस आपका 200 प्लस 550, इसको डिवाइड कर दें और इसका परसेंटेज निकाल दें। और इतनी सी कैलकुलेशन के लिए बिना आप कह लीजिए पेन और पेपर के, आज आपको ये परसेंटेज निकालनी है, ये आपका टेस्ट है। आप बहुत लोग कहते हैं सर आप टेस्ट नहीं लेते, टेस्ट नहीं लेते, ये आपका टेस्ट है। हाथ अपने ऐसे रखिए, दिमाग यहां पे रखिए और निकालिए परसेंटेज, पहले टोटल निकालिए फिर परसेंटेज निकालिए। तो ये है अपना तकरीबन 1100 प्लस 550 1650, और नीचे अपना तकरीबन बनता है 1525 प्लस 750 अपना बनता है 2275 शायद प्लस 360 अपना बनेगा 2635। अभी आपको इसका निकालना है, आई रेशियो निकालना है, वैसे परसेंटेज भी निकाल ही लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आपके लिए टेस्ट है, आज क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपका टेस्ट है कि भाई आप निकालिए। रेशियो तो निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसको 5 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगी 330 बाय 527, ये आपकी रेशियो है, ये आपका आंसर है। लेकिन आपका टेस्ट है बिना पेन को यूज किए 1650 बटा 2635 है, कितना परसेंटेज है ये मेरे को आप बताइए, आप निकालिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तो प्लीज कॉमेंट कीजिए, मैं इसी टेक्निक पे, ये लॉजिक कैसे यूज करते हैं इस पे एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेजेस ए एंड सी, द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेजेस ए एंड सी, फीमेल फ्रॉम विलेजेस ए एंड सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस द नंबर ऑफ फीमेल इन डी एंड एफ। पहले यार इन दोनों का टोटल लगा लो, 390 प्लस 675 अपना आ जाएगा 390 प्लस 675,
नहीं ये तो मेल है ना, सॉरी मेल है। 360 प्लस 825 कितना आ जाएगा हमारा, 1185। ये दोनों का टोटल आ गया हमारा 1185, और इनका टोटल कितना आ जाएगा हम ना 1575। इनका टोटल ये आ गया और इसका टोटल 1185। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस को डिवाइड करना है आपको इसके टोटल से। जैसे दिया हुआ है कि डी एंड एफ का कितना परसेंटेज है, इसका डिफरेंस जो हमारे पास आता है 390 और 1575 हमारा टोटल दिया हुआ है। अभी आपके लिए फिर से टेस्ट है, परसेंटेज निकालिए। आपको मैं 4 बार पहले बता चुका हूं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब आपकी बारी है। अभी जस्ट एक लुक दीजिए इसको और मेरे को ये बताइए कि 390 1575 का कितने परसेंट है, ये आपको अभी बताना है। बिना पेन को यूज कीजिए, बिना पेन को यूज किए आप ये बताइए 390 1575 का कितना परसेंट होता है, आपको आज बताना है। तो ये कोशिश कीजिए, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ये सिर्फ इसी चैप्टर में डीआई नहीं, में नहीं हर जगह यूज होगा, आपकी डेली लाइफ में भी इसको यूज करके देखिए, आदत डालिए। तो ये अपना तकरीबन बनेगा, अगर मैं इसको 157 पे ले जाऊं, 157.5 इसका 10% है, ठीक है, मुझे 390 के पास पास आना है। अभी इसका 20% अगर मैं निकालूं तो 157 प्लस 157 ऐसे मैं कर दूंगा, 150 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ढाई आई नहीं 300 प्लस 15 हो जाएगा अपना 315। अभी मैं बिल्कुल भी बिना पेन को यूज किए ये कर सकता हूं 315, ये अपना जी आ गया 20%। अभी भी मैं दूर हूं लेकिन अभी मैं 157 ऐड नहीं कर सकता, मतलब कि अपना आंसर 20 से 30% के बीच बीच में है। अगर ऑप्शन में खाली 25% 15% 35% है तो 25 तो आप कर ही दीजिए, इससे आगे आप कैलकुलेशन मत ही कीजिए। लेकिन अभी आप देखिए कि यहां पे आपका डिफरेंस बचा है तकरीबन 75 और इसका 1% जो है वो है 15.75, तो एग्जैक्टली आपका कितना बनेगा 15 और 75, 15 5 75, तकरीबन तकरीबन आपका 25% आंसर आपको मिल जाएगा, तकरीबन तकरीबन 25% से थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली सा। अगर आपके पास 24 भी आंसर दिया, 24.5 आंसर दिया हुआ है और 25.5 आंसर दिया हुआ है तो मैं 24.5 टिक करके आ सकता। तो थोड़ा सा इस फंडे को थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरा जो पूरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको बताना, शुरू से ही बताना कि फ्रैक्शन को याद करना कितना जरूरी है और ये कैलकुलेशन जो माइंड में कैलकुलेशन करते हैं उसको याद करना कितना ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश कीजिए पेनों को यूज करने की, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग की पजल में, नो डाउट ये टेबल बनाने में पेन को यूज करना पड़ेगा। यस मैं मानता हूं ये टेबल बनाने में पेन का इस्तेमाल तो भाई होगा, जरूर होगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसको मत लिखिए। ये आपने टेबल बना लिया और क्वेश्चन को देख रहे हैं, सीधा ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, बस यही तो पर्पस है डीआई का। 5 क्वेश्चन है, 3-4 मिनट में आपने ये टेबल बना दिया, उसके बाद एक एक मिनट में, एक एक मिनट भी नहीं लगेगा। अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों का टोटल लगा दिया, माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया। अगर मेंटल कैलकुलेशन करेंगे 20 सेकंड की गेम है, 20-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये टेबल बनाने में 3 मिनट 4 मिनट और 20-20 सेकंड में, 1 मिनट से कम टाइम में, 6-7 मिनट में आपका पूरा एक सेट निकल जाएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, मेरी तरफ से कुछ टिप्स लेकर जाइए। तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, एलिमिनेशन ठीक है पुराने टाइम में बहुत यूज होता था, आज भी यूज होता है, चाहे ऑप्शन करीब आ जाए एलिमिनेशन, ये जो अप्रोक्सीमेशन ये कहीं नहीं जाने वाला, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की आप एक्यूरेसी बढ़ा लें। अभी जो हमने करा है, हम तो अप्रोक्सीमेशन की जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो 98% से 100% तक की एक्यूरेसी हमारी आई है। तो अप्रोक्सीमेशन जरूर यूज करें, जो मैंने आपको परसेंटेज निकालने की या फ्रैक्शन निकालने की, मल्टीप्लाई करने की और प्लस करने की, एवरेज करने की जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, जो लॉजिक बताया है, कुछ मैजिक ट्रिक नहीं है, मैं आपको कुछ जादू नहीं दिखा रहा यहाँ पे कि मैं जी आपको बोलूं कि इसको ए को ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करके फिर जी प्लस ए क्यू डी, ऐसे अजीबो गरीब से फॉर्मूले से लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है।
अगर आपको ये कुछ सिखा रहा है, खुद से फॉर्मूले बना रहा है, तो एक जगह पे इंप्लीमेंट होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगा। जो वो बंदा क्वेश्चन करवा रहा है टीचर, खाली उसी के उसी सेट में यूज होगा और कहीं यूज ही नहीं होगा। वो बस एक मैजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, जीनियस बनने की कोशिश कर रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। तो इंटरप्रेट कीजिए डेटा, जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था, पहले टेबल बनाइए बाद में क्वेश्चन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं टेबल को, ये गलत है। बार बार कैलकुलेशन मत कीजिए, पहले एक बार ही कैलकुलेशन करके रख लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आइए। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही पहले एक दो मिनट में, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो छोड़िए, नहीं हो रहा है तो छोड़िए, बहुत क्वेश्चन है आपके पास। बट कोशिश कीजिए कि पहले टेबल बनाए बाद में क्वेश्चन करें, और अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन का टेक्निक जो है आप इसको यूज करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपने IBPS PO मेगा प्रेप सीरीज, IBPS PO की मेगा प्रेप सीरीज है, इसको आपने अभी तक, ये हमारा कोर्स है, मेगा प्रेप कोर्स है, आपने अभी तक इसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं। इसमें आपको मैं सारे जो क्विजेज हैं, टेस्ट है, हमारा स्टडी मटेरियल है, इवन प्री के लिए, मेंस के लिए, जो भी आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इसका कूपन कोड प्लीज यूज करें, BET30, ये इसका कूपन कोड है, इसको प्लीज यूज करें। नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेटर से बेटर वीडियोस बनाता रहूं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता रहूं, और दिन में और ज्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे क्विजेस, बहुत कुछ अच्छा मैं करने वाला हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले 10 हफ्तों तक मैं डेली आप तक एक लेक्चर लेकर आऊं, जिससे आपको एक्चुअल में फायदा हो। अगर आपको लगता है ये फायदा नहीं हो रहा तो प्लीज मुझे बताइए, तो मैं ताकि इंप्रूवमेंट करूं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।